तो इस वीडियो में आपको लिंक शॉर्टनर का जो फुल वर्जन थीम होता है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये जो है थीम फुल वर्जन नहीं है, मैंने क्या किया है कि इसको कस्टमाइज करके आप लोगों को दिया है। अगर आप चाहते हो कि यही थीम को हम फुल वर्जन में डाउनलोड करें और अपने से खुद से ब्लॉगर में अपलोड करें, तो मैं आपको जो है ब्लॉगर में अपलोड करने का तरीका भी बताऊंगा और फुल वर्जन थीम जो है कहां से डाउनलोड करना है और अपलोड कैसे करना है ब्लॉगर में, वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक, अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो फुल वर्जन थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिंक शॉर्टनर फुल वर्जन थीम डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, जो लिखा हुआ है इसको आगे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ने के बाद जो है नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो डायरेक्ट इस साइड में आप देख सकते हो कि डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। अब डाउनलोड होने के बाद करना क्या है, तो यहाँ पे जो है आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, ओपन पे क्लिक हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें इस पर क्लिक कर देना होगा एक्सट्रैक्ट ऑल पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम कौन सा फोल्डर में रखेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है डाउनलोड पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम करेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो होगा क्या कि ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें से हमें जो है लिंक शॉर्टनर का फुल वर्जन जो थीम होता है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास आ गया। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसको अपलोड कैसे करना होगा। यहाँ पर आप आके देख सकते हो अपने फोल्डर में, जो भी आपका फोल्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है लिंक शॉर्टनर का फुल वर्जन जो थीम है उसका XML है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कट और चलते हैं ब्लॉगर पर। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि थीम पे क्लिक करेंगे, नीचे आप देख सकते हो थीम का ऑप्शन है। थीम पर क्लिक होने के बाद यहाँ एरो पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ बैकअप पर क्लिक कर देना है और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है सबसे पहले। अगर उसी प्रकार का थीम आपको चाहिए बाद में तो डाउनलोड कर लोगे तो फिर आप लगा सकते हो उस थीम को, तो पहले के जैसा ही फिर वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है आपका। तो यहाँ पे डाउनलोड हम करेंगे नहीं, कैंसिल पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ रीस्टोर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है हम फुल वर्जन थीम को क्या करेंगे कि अपलोड करेंगे। अभी के डेट में मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करने के बाद यही जो है हमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये XML फाइल मिला, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर ही दिख रहा है, तो यहाँ अब हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे तो इधर की साइड जो है रीस्टोरिंग थीम हो रहा है, तो जैसे कि आप देख रहे हो रीस्टोर हो चुका है, ठीक है। अब चलिए मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे जो है क्लिक हमने किया और यहाँ पे पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको करते हैं अब रिफ्रेश, तो ये जो है फुल वर्जन थीम है, ठीक है, और ये जो है अपलोड हो गया। चलिए मैं इसको करता क्या हूँ कि ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाके यहीं से थीम को हमने अपलोड किया और यहीं से ओपन करेंगे, ठीक है। तो नीचे व्यू ब्लॉग पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी है फुल वर्जन के अंदर में होता है वो सारा आपको इस थीम के अंदर में दिखेगा। तो हमने बता दिया कि डाउनलोड कैसे करना है, अपलोड भी कैसे करना है और कस्टमाइज कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस थीम का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट इस पेज पे ही आ सकते हो, ठीक है। इसी पेज पे वो लिंक आपको ले आएगा, तो डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। बाकी इस थीम के अंदर में जो भी कस्टमाइज करना होगा आपको, तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो है कि रिसर्च टेक न्यूज़ के चैनल पे जाना होगा, यहाँ पे इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा कि नीचे की ओर आना होगा और यहाँ पे जो है आपको दिखेगा लिखा हुआ है ब्लॉगर टिप्स, तो यहाँ पे इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चौथे नंबर पे है ये वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है किसी भी थीम को खुद से कस्टमाइज कर सकते हो।
तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर जो भी ब्लॉगर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।